हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा के त्योंथर से हवे, जहां सुहरवा के रहे वाले राजेश कुमार मिश्रा, जनपद पंचायत त्योंथर के लेखाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल पांडे के ऊपर उनके शासकीय आवास माही चोरी के आरोप लगाई। पीड़ित बताएं के त्योंथर जनपद पंचायत मां बतौर सचिव रहे हमाऊ, उनका शासन घरौती ही रही हबे। अब जब वो पदमुक्त हो चुके हमा पे, बिना कोनो मेर के जानकारी के उनके घरे के ताला टोर के सामान और कागजात घलाए उठवाए ही नहीं बे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। आप अभी एसपी कार्यालय आए हैं, कोई शिकायत की है? क्या मामला था, पूरा घटना क्या है बताइए। मामला सीओ के खिलाफ हम जांच कराने आए हैं। सीओ हमारे कमरे में आवास नंबर 8 मेरे को मिला है। सीओ बागेरी के द्वारा अलर्ट किया गया, हमारे कमरे में ताला लगवा दिए हैं। हमारा सामान शैलेंद्र लेखा अधिकारी उठा ले गया था। मैंने रिपोर्ट भी किया, सीओ को भी लिखा, हमको गाली गलौज किए, अपने नंबर से हमारे नंबर पे लगाए। एक मिनट नौ सेकंड का शायद था। जो है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, मेरे जान माल को खतरा है। इन्होंने कहा कि थाली सड़ा दूंगा। किरण सिसोदिया से हरिजन एक्ट हुआ, छेड़छाड़ का धारा करवा के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा, इसलिए मैं डरा हुआ हूं, मैं आया हूं निष्पक्ष जांच कराने। बुलेटिन की अगली खबर मनगवा थाना से है, जहां के जरहा गांव के लगे रीवा हनुमना नेशनल हाईवे रोड के जरे 100 बरामद भरा, जेकर चिन्हारी 40 साल के संतोष कुमार शर्मा, पिता कृष्णानंद शर्मा, चदे मनगवा के रहे वाले के तौर में भय रही है। घटना के जानकारी लगता है जहां परिवार में कई हड़कंप मच गया, तो वह परिजन हत्या की आशंका जताई नहीं बे। जबरे के कारण स्पेशल टीम मौका पहुंच के मौका मुआयना करी नहीं बे। विंध्य क्षेत्र के सान और राज्य के इकलौता सैनिक स्कूल रीवा माही अंतर सदनी बॉक्सिंग प्रतियोगिता के आयोजन भा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला रहे, जहां विद्यालय के यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन घलाए करें। एक बाद प्रतिभागिन और प्रदर्शनकारिन के तारीफ कई के विजेतन का शुभकामना दिन। ये कार्यक्रम माही कर्नल राजेश बैंदा, प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा, स्क्वाड्रन लीडर ए एन ठाकुर, उप प्राचार्य मेजर ए पी एस भुल्लर के साथ है प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आई देखिए कार्यक्रम के मुख्य झलकी। हम अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे, अब आप देखिएगा इसका ये बचाव कैसे करेंगे। ये जो मूवमेंट इनने किया, जो टेक्निक्स की है, इनका ये आपस में लड़कर बचाव और आक्रमण करके दिखाएंगे। हजमें ये सेकेंड मूवमेंट का ट्रांसलेट है, जो उन्होंने टेक्निक की थी वो ऐसे यूज करना है उनको। साटोल जिला माही बकहो नगर के रहाय वाले ग्रामीण जल संकट के समस्या का लेके सुहागपुर SECL के आवे वाली शारदा ओपन कास्ट माइन के लगे अपने मागन कलय के धरना बैठ गए। अपना का बताई दई के शारदा ओपन कास्ट माइन जो उनके 22 एकड़ जमीन से कोयला के खनन कर चुकी है, वहां अब गड्ढा बन गया है और यही गड्ढा के पानी से नगर में रहे वाले नहावे धोबे और मवेशिन के घलाए पानी का उपयोग करा था। आई सुनाई थे ग्रामीण का जानकारी दे रहे हैं और कौन मेर के मांग कर रहे हम। नाम है आपका? गोपी कुमार तेवड़। कहाँ के रहने वाले हैं? नगर परिषद बखो वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, आज आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? अपने गांव में SECL द्वारा जो ये डैम्प को भाटा जा रहा है, जिससे पूरे गांव का निस्तार किया जा रहा था, जहाँ से हमें गाय भैंस के लिए या फिर पूरे लोग यहाँ के पानी पीते थे, नहाते थे, पूरा निस्तार होता था। आज उसको भाटा जा रहा है और पानी को बाहर फेंका जा रहा है। उस पानी को बाहर फेंकते समय ये नहीं देखा गया पूरे गांव का वाटर लेवल जो है कि नीचे गिर जाए। आज गांव के जितने भी पंप हैं, 1 मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट तक चलते, उसके बाद कोई पंप भी नहीं चल पा रहा है। पूरे गाँव के लोग इसीलिए आए हैं कि हमें पानी मिले या फिर इस डैम्प को छोड़ दिया जाए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बकहो का हूँ, वार्ड नंबर 2। अच्छा, आज आप लोग ये धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? धरने पे इसलिए है सर, हम लोगों का आज यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया, हमारे लल्ला भाई ने जा करके श्रीमान कमिश्नर महोदय के दरवाजे पर जा करके खटखटाए और अपनी ज्ञापन सौंपे कि आज हम लोगों का कुल माँ और बाप कहिए तो यही एक जल स्रोत है, इसी से वाटर लेवल अपने गाँव के अंदर आप पंप बोर किसी का भी
चेक कर लें, 5 मिनट से 10 मिनट हद है कि पानी चले हम लोगों का। अच्छा। उसके बावजूद भी हम लोग आज तक शासन प्रशासन से हल्ला नहीं कि एक स्रोत था उसे भी शासन और प्रशासन, इसमें कौन मीडिया, कौन नेता, कौन घूसखोर इसमें मिला या प्रबंधन मिली या प्रशासन मिला, ये हम नहीं जानते। जब आज हम लोगों को निहत्था कर दिया गया, जब आज हम लोग देख रहे हैं, आज अगर हमारे घर पे बोर 10 मिनट चलते हैं, मैं परसों के दिन मेरे दरवाजे पे एक जानवर गिरी रही गश्त मारी, जब मैंने उसके ऊपर पानी डाला हूँ और पानी दिया हूँ तगाड़ी में भर के, गैया उठी है पानी पी है, उसके बाद जा कर के शाम के टाइम 6 बजे और इस कंडीशन में आज भीषण गर्मी में आज हम लोग ग्रामीण लोग, ग्रामीण के जितने वासी हैं सब तरह तरह बूंद बूंद को पानी के लिए। अच्छा, ये इस रीवा के कोतवाली पुलिस मोटरसाइकिल चोर का गिरफ्तार करके ओके कब्जे से 5 ठे चोरी के मोटरसाइकिल बरामद करी नहीं भाई। आरोपी अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल के चोरी करे रहे। मामला में ही पुलिस अज्ञात बदमाशन के ऊपर चोरी के मामला दर्ज करे रही, अब वाहन के तलाश करत रही। यही समय कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह का मुखबिर से जानकारी मिली के नवीन जो उनके छिकान टोला के रहने वाला है वह पल्सर मोटरसाइकिल लेके जात देखा गया है। वह गहराई से पूछताछ करे के बाद आरोपी अस्पताल चौराहा से 1 ठे, घोघर मोहल्ला रीवा से 2 ठे, सराफा बाजार से 1 ठे, ता अपने मास्टर चाबी से लाख टोर के गाड़ी के चोरी कर अब कबूल करी नहीं भाई। आरोपी के कब्जा से 5 ठे मोटरसाइकिल बरामद करके आरोपी का न्यायालय में भेज दिन गया है। बतावा जाते कि चोरी अपने आदत से अपराधी है भाई, जो उनके ऊपर चोरी और मारपीट के कुल 5 से अधिक मामला सिटी कोतवाली रीवा में ही दर्ज हमा। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।